आणि एक अत्यंत धक्कादायक माहिती येते आपल्या गाडीवर गोळीबार झाला असा दावा केलाय एम आय एम चे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी मेरठ जवळ ओवेसीच्या गाडीवर गोळीबार झाल्याचा दावा करण्यात येतोय चार गोळ्या आपल्या गाडीवर झाडल्या गेल्या असा दावा असदुद्दीन ओवेसी यांनी केलेला आहे घटना घडलेली आहे मेरठ जवळ मेरठ जवळ आपल्या गाडीवर हा हल्ला झाला हा, हा गोळीबार झाल्याचा दावा असदुद्दीन ओवेसी यांनी केलेला आहे एमआयएमचे खासदार आहेत असदुद्दीन ओवेसी उत्तर प्रदेशमधल्या निवडणुकांमध्ये ते सध्या प्रचारामध्ये आहेत उत्तर प्रदेशमधल्या मेरठ जवळ एका टोल नाक्याजवळ ही घटना घडल्याचा दावा त्यांनी केलं प्रतिक्रिया दीने, से खासदार जलील या, जलील के आज साहब उत्तर प्रदेश थी सभा भी थी और वो लौट कर वापस जब आ रहे थे तो तीन चार लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया तीन से चार राउंड फायरिंग की गई लेकिन लकीली किसी को कुछ हुआ नहीं वहाँ पर हड़कम मच गया और असदुद्दीन अवेशी साहब को किसी तरह से दूसरी गाड़ी के अंदर बिठा कर वहाँ से आ, बाहर निकाल दिया गया है जो लोगों ने हमला किया है वो लोगों ने हथियार वहीं पर डालकर गए हैं इस अटैक के अंदर किसी को आ, कोई जी जीवित हानि तो नहीं हुई है लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन अवेशी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है आ, एक दो महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है और आश्चर्य की बात

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतज़ार कर रही है अगर ये गोली अगर लग जाती है तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है ये तो खुशकस्मती थी ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए है करके लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना सर ये बताइए अभी फिलहाल ओवैसी और ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं Uh, happened with the, uh, and from there uh, well for the past for the past so many days he has been continuously campaigning uh, uh, for the aimm candidates in uttar pradesh and today he was uh, uh, somewhere in in Meerat, uh, for padyatra and for a public uh, meeting and while returning uh, some three four uh, persons uh, they suddenly attacked his uh, his vehicle uh, and there were three four rounds of fire uh, that